पहली बात ये गलतफहमी है कि नौबत आ गई। धरना प्रदर्शन हर साल जब से बनी है यूनिवर्सिटी तब से ही हो रहे हैं। अगर 2017 में आपको याद होगा, मेरे आने से पहले, तो धरना प्रदर्शन इसलिए भी हुआ था कि नया वीसी लेकर आओ। तो धरना प्रदर्शन हर साल अमूमन होते रहते हैं, बल्कि आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि हमारे आने के बाद 4 साल तक कोई धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं हुआ टीचर द्वारा। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह है कि जो काम करता है तकलीफ उसी को होती है, जो चुपचाप बैठा रहता है उसको कोई तकलीफ नहीं, तो उसको कोई जानता भी नहीं, पूछता भी नहीं है। तो अब इतना सारा काम हो रहा है तो उसके हर एंगल से कोई ना कोई शिकायत लोगों के मन में आती है। शिकायत तब आती है जब लोगों को अपनी इच्छा पूरी नहीं होती है। अभी आपको याद होगा कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी यूरोपियन कंट्री के साथ कि आपकी प्रॉब्लम हो तो सारी दुनिया की प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात उन्होंने कही थी। ऐसे ही कुछ वाकया इधर होता है कि यहाँ जब कोई अपनी इंटरेस्ट की बात सोचता है तो वो भूल जाता है कि हम अरुणाचल के इंटरेस्ट की बात करें, वो ये भूल जाता है कि आरजीयू के इंटरेस्ट की बात करें, वो ये भूल जाता है कि हम एनआईआरएफ की बात करें। तो अगर आपको रैंकिंग बनानी है, जो अगर आप मोटा मोटा मुद्दे की बात करें, तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि फीस वगैरह की जब कभी बात होती थी तो गलतफहमी में लोगों को भड़का के लाया गया, क्योंकि 4 साल मेरा यहाँ हो गया है और 3 साल से तो फीस मैंने ही नहीं बढ़ाई है, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया और मैं 2018 में आया था। और फीस जब भी बढ़ाई गई है, एक ही बार फीस मेरी जानकारी में बढ़ाई गई है, वो भी कुछ 2-3-4-5%। और ये जो फीस बढ़ाई जाती है ये भी एक एग्रीमेंट का तरीका है। एक आपने सुना होगा कभी कभी बीच में कि जो हमारा आरजीयू का सेकेंड रैंकिंग आई थी, सेकेंड रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेकेंड रैंकिंग हमको दी थी, बड़ा अच्छा लगा था सबको। वो सेकेंड रैंकिंग इसलिए दी थी कि हमारा डेटा सबसे सही था, उसको हम बोलते हैं ट्राई पार्टेट एग्रीमेंट। ट्राई पार्टेट का मतलब हो गया कि तीन सिस्टम में समझौता। हमको सैलरी कहाँ से मिलती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमको सैलरी देती है, लेकिन हमको सैलरी डिसबर्स कौन करके देता है? यूजीसी। तो वो एक कागज साइन होता है जिसमें 17 बिंदुओं के ऊपर एग्रीमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राईपार्टेड एमओयू एग्रीमेंट। उसमें वो यूनिवर्सिटी, जैसे वो मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ नेरिस्ट भी है, एनआईटी भी है, तो वो भी ट्राईपार्टेड साइन करता है। तो जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे फंडिंग आती है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एनआईटी हो, नेरिस्ट हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी अपनी देश में 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी ट्राईपार्टेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। और उस सिग्नेचर में, यानी कि यूनिवर्सिटी, यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें एक कॉलम में यह लिखा हुआ है कि हर साल हम 2-3% फीस बढ़ाएंगे। यह एग्रीमेंट है। और यह एग्रीमेंट क्यों बढ़ाया गया है? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि यह कहा जाता है कि फ्री ब्रेड इज नॉट गुड, फ्री लंच इज नॉट गुड, यानी कि दोनों तरफ से जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई भी छोटा सा एक फीस होती है तो लोग उसके बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट भी छोटी सी फीस देता है तो वो उसके जागरूक होने की निशानी है, वो उसको तंग करने के लिए नहीं दिया जा रहा। दूसरा, सभी एपीएसटी के 100% बच्चों को फेलोशिप दी जाती है इसीलिए कि वो अपने फीस का कंपोनेंट भी उससे बियर कर सके। तो इसलिए उसमें उनको प्रसराइज करके या गरीबी है करके तंग नहीं किया जा रहा है। सरकार उनको मदद करने के लिए फेलोशिप भी देती है। फेलोशिप के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट वो जीवन में खाने पीने के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा कंपोनेंट वो फीस भी देता है, और वो फीस भी बड़ी रिजनेबल है। मैंने जैसा कहा कि हमने 3 साल से फीस एकदम नहीं टच की है, चाहे वो इंटरेस्ट फीस क्यों ना हो। फिर मैंने ये कहा कि सभी को पूरा अधिकार है, आप एक एनोलॉजी ड्रॉ करिए, लेकिन एनोलॉजी आप कंप्लीट फीस की ड्रॉ करेंगे। कुछ लोग अपनी फीस में ये लिखते हैं कि हमारी ट्यूशन फीस 2 रुपए, 10 रुपए है या 200 रुपए है। तो हमारी भी ट्यूशन फीस हम बता देंगे आपको कितनी, हमने तो कंप्लीट फीस की बात करी है। तो मेरा यह कहना कि कंपेरिजन करते समय कुछ डेटा बहुत सारे लोग छुपा देते हैं, हम तो पूरा डेटा कागज पे लेकर आते हैं, तो इसलिए कभी स्टूडेंट की भावना में आई। फिर देखिए, कोविड के समय, अभी किसी ने शायद जिक्र किया था कि वो फीस कोविड के समय भी ली गई। कोविड के समय एग्जामिनेशन फीस 40% और 60% घटाई गई थी। कॉलेज को जहां तक मुझे याद है कि या तो 60% घटाई गई थी और यूनिवर्सिटी में 40% घटाई गई थी। उसके पीछे कारण क्या है? पीजी में हमारे ज्यादा पेपर होते हैं, तो जो ये फीस होती है, सरकार जो है पैसे जो देती है सैलरी पेंशन के लिए देती है और फेलोशिप के लिए देती है। जो रिकरिंग ग्रांट मिलती है, आप सोचते होंगे कि
हम सारी फीस पूरी माफ करके कैसे काम क्यों नहीं काम कर पाते हैं। अभी आपके अपनी इस यूनिवर्सिटी में करीब 37-38 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी इंगेज किया गया। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को पहले आरजीयू में, ये बात आप लोगों ने किसी ने कही नहीं कही और किसी ने तारीफ भी नहीं की। तो मुझे लगता है जब कोई अच्छा काम हो, जैसे मैंने अभी टीचर्स यूनियन से आज तक ये नहीं सुना कि उनको मैंने 1 लाख रुपए का लैपटॉप दिया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो उनकी तरफ से अप्रिशिएशन तो आज तक नहीं आया। लैपटॉप तो इसलिए दिया गया था कि उसमें बैठ के वो पेपर लिखे, पब्लिकेशन करें, बच्चों के लिए नोट्स तैयार करें, तो वो तो किसी ने नहीं कहा और वो बात किसी से जिक्र भी नहीं किया, तो मुझे तकलीफ होगी, तो मैंने मदद क्यों की। फिर दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमने टीचर्स को सब्सिडी भी दी है, टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाइन का क्लास कर सके उसकी भी सब्सिडी दी है। तो अब जब हम ये फीस की बात कर रहे हैं, तो हमने अपने बच्चों को ये जो फीस कोविड में कम की थी वो इसलिए की थी कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, जबकि ऑनलाइन एग्जाम हम नहीं ले पा रहे थे। पहले साल ऑनलाइन एग्जाम हमारी एक एजेंसी ने लिया था, जिसने हमको प्लेटफॉर्म दिया था वो भी फीस ले रही थी। तो हम ये फीस बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से लेते हैं, ना कि उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हैं। तो लेकिन बच्चों को कोई सूचना नहीं होती है, इसलिए वो हंगामा करते हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि टोटल हॉस्टल फीस जो अपने आरजीयू में है, टोटल हॉस्टल फीस मुझे लगता है कि 600 रुपया या तो साल है या तो सेमेस्टर है, 600 रुपया तो आप महीने में जोड़ लीजिए, 50 रुपया आया। एक कमरे में दो बच्चे रहते हैं और हम 50 रुपया ले रहे हैं उससे, तो ये तो कोई फीस नहीं हुई, ये तो जिम्मेदारी का एहसास कराने की बात हुई। और पीएचडी वाले बच्चों से सिर्फ 100 रुपीज लिया जाता है, तो ये फीस, और ये फीस अभी हमने नहीं बढ़ाई है, ये फीस पहले से चली आ रही है। सर मैं कहना चाहूंगा, लेकिन सर जैसे देखा जा रहा है आप जो है स्कॉलर जो कटन की उनकी तरफ से जो है कंप्लेन आया। हाँ, क्या कंप्लेन आई है? एक कंप्लेन ये आई है कि खत्म कर लेता हूँ सर, तो इस तरह का जो है काफी कुछ उनका ये एक कंप्लेन था कि जब भी वीसी को अप्रोच करते हैं तो वो जो है अच्छे से वो नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये उन्होंने कहा ना जी जी, वो कोई वो सबूत तो नहीं ना दे पाए आपको, तो ये मैं कह रहा हूँ। आपका क्या कहना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा पूछा आपने सर। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपका अगेंस्ट कुछ बोलता है तो वो लोग का पीएचडी आप कैंसिल करेगा बोल के धमकी देते हैं ऐसे। आप उससे 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 बोलिए ना कि ये जो बोल रहा है ये उसकी अपनी कहानी है कि हमने कहा बोलने के लिए, तो ये बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है ना। बोलने के लिए तो हम ये भी बोल सकता है कि हम कहीं ये नजर आ रही है। हाँ एकदम एकदम टीचर फेटर्निटी एकदम थोड़ा नाराज है सर, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, जिसको काम नहीं करना है उसको नहीं करना है, तो जिनको नहीं करना पड़ता है वो जोर जोर से भी बोल देता है। हम तो जोर से बोल रहे हैं ना आपसे, मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कहा कि उनसे पूछेगा कि लैपटॉप लिया है आप तो किस काम के लिए लिया है, लैपटॉप क्या कर रहा है, ये तो बात करनी पड़ेगी। अब देखिए ये ऑर्डिनेंस है आरजीयू के, मैं आपको बताऊं जो शायद उस वक्त बात नहीं हो पा रही थी कि अपने आरजीयू के जितने भी ऑर्डिनेंस थे 2017 में यूजीसी ने रिजेक्ट कर दिए। अगर मैं आपको सच्चे तरीके से बताऊं कि 2017 से पहले के जितने भी पीएचडी स्टूडेंट हैं उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि उनको डिग्री दी जाती है, तो ये गाइडलाइन हमने बनाई है और वो सारी गाइडलाइन यहां पे है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। इसकी तारीख आप देखेंगे तो आपको देख के अच्छा लगेगा। आप ये पढ़िए, किसी के हाथ में ये हम गाइडलाइन दे देते हैं, आप इसका ईयर देखिए क्या लिखा हुआ है, आप इसको ठीक से देखिए कि कब छपा है। सारे 2020 में छपे हैं, 17, 16। ये देखिए क्या लिखा हुआ, मार्च कुछ लिखा है 2021। तो आप जरा सोचिए कि 31-35 ईयर्स की यूनिवर्सिटी हो गई और गाइडलाइन नहीं थी, तो जब गाइडलाइन नहीं होगी, हमारे यहाँ की सारी गाइडलाइन 2017 में रिजेक्ट हो गई थी। जो अभी बहुत सारी बातें हो रही थी कि सर हम ही लोगों को एडमिशन दे दीजिए, ऐसी ही बात उस गाइडलाइन में लिखी हुई थी, लेकिन देश तो एक नियम से चलता है ना, नियम सबको फॉलो करना पड़ता है, तो उस गाइडलाइन को ठीक करके इसमें लेकर आया गया। उसमें गाइडलाइन में ये भी एक बात है कि सभी व्यक्तियों को एडमिशन डेट से 6 साल के भीतर थीसिस जमा करनी चाहिए। मैंने अभी कहा कि एक तरफ आप जानते हैं कि 88 बच्चों में से 85% बच्चे हमारे अरुणाचल के हैं, राइट। अब अगर यही रेशियो है और आप उन बच्चों को आने वाले ईयर में मौका नहीं दोगे तो नुकसान किसका हो रहा है? अरुणाचल के बच्चों का हो रहा है। अगर 6 साल में लोग
इस तरह में पीएचडी का अप्लाई किया तो यहाँ पे जो एससी का बहुत कमती मिला है, तो जितना भी है जो कहीं कमती नहीं मिला है। अभी तो आपको सबके सामने बताया मैंने कि 88% एपीएसटी, फिर से बोलता हूँ 88% एपीएसटी बच्चों को एडमिशन मिला है। सर उन लोग तो बहुत सारा अच्छा से अच्छा पढ़ के आए लेकिन उन सबको तो मिला ही नहीं, तो हाँ एकदम नहीं मिला है। जो 50% नहीं लाएगा उसको नहीं मिलेगा जी सर। आज का जो 50% नहीं नहीं इनको बता दूं ठीक से, जो 50% अपने एग्जाम में नहीं ला सकता है उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो तो नियम ही है, आपको 50% लाना है। दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर में 50-50% लाना है। एक में आप 70 ले आया, दूसरे में 49 भी ले आया, तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो 50-50 लेकर आया है उस 88 बच्चों में से हमने 70 बच्चों के आसपास एडमिशन दिया है, दैट इज 88% राइट। तो वो है, वो भी गलत सूचना है आप लोगों को जी सर। आज का मेन मुद्दे पे आते हैं, आइए जी। अफसू अंसू ने आज आपके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट बैठा सर, तो आप लोग ने मिलके अभी कुछ मीटिंग बैठा तो बैठक बैठा, तो उसमें क्या रेजोल्यूशन आया सर? पहली बात तो ये जो शब्दों का चयन है अच्छी तरीके से हम लोग करें। प्रोटेस्ट बैठा मतलब प्रोटेस्ट बैठा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमको तो कोई कागज दिया गया नहीं रहता तो उनके प्रोटेस्ट है करके हमको कैसे मालूम चलेगा? नियम क्या कहता है देश का कि आप किसी भी काम के लिए जाएंगे या किसी भी प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे तो आप 24 घंटे पहले बताएंगे, हमको तो नहीं बताया गया, तो इसको मैं क्या समझूं? खैर लेकिन सर जस्ट टू इंटरप्ट यू सर, जो भी जब भी व्हेनेवर देयर इज अ प्रोटेस्ट एक प्रॉपर ये तो सिक्योरिटी ऑफिसर से तो लिया जाता ही है। वो तो मैंने बुलाया ना, आपके पास कोई कागज है क्या मैडम? अभी आप ही से पूछ लेता हूँ, आप लोग इतने लर्नेड लोग यहाँ बैठे हुए, मीडिया बैठी हुई है, आप कागज दिखा दो। आपको कागज मिला है क्या कि हम लोग प्रोटेस्ट पे जा रहा है? किसी के पास कागज है? नहीं है, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज होगा, तो हमको लिखित सूचना होनी चाहिए। मेन बात अगर प्रोटेस्ट का अगर ये अलाउ नहीं किया तो वो कंपाउंड के अंदर कैसे आए? क्योंकि लाइक जस्ट लास्ट वीक हमने तो देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो लोग वेरी गुड अथॉरिटीज लोग ही मतलब अंदर में ही आने नहीं दिया था जस्ट लास्ट वीक। वेरी गुड, इसका ये साबित करता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस नाइस सोल्यूशन, यानी कि प्रोटेस्ट की सूचना नहीं थी तभी तो वो लोग यहाँ तक आ गया। अगर सूचना होती तो वहाँ गेट पे बैरिकेटिंग होती। आपने थैंक यू वेरी मच, आप ही ने हमको सलूशन बता दिया, यानी कि हमारे पास सूचना नहीं थी तभी तो वो यहाँ तक आ गया सर। और रही बात सिक्योरिटी की बुलाने की, सर कैसे सूचना नहीं होगा सर? आपका जो ये है इट्स वेरी लाइक आई विल यूज द वर्ड लेम बिकॉज लाइक सर ये नो लेम नहीं मैडम, आप ही ने सूचना दी। योर सिक्योरिटी इज ऑलरेडी डिप्लॉयड। वेरी गुड, हम आपसे बहस नहीं कर रहा है, हम आपसे बहस नहीं कर रहा है सर। आप बहस ही कर रहे हैं? नहीं नहीं बहस नहीं कर रहा है, हम तो आपकी बातों से ही एनालॉजी पकड़ रहा है। आपने कहा योर सिक्योरिटी इज ऑलरेडी देयर, हां तो कोई भी गाड़ी से कैंपस इज सिक्योर्ड, वी आर पब्लिक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये साबित करता है कि आई एम वेरी पब्लिक फ्रेंडली, दैट इज हाउ वी allow people to come to this level, thank you very much। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको ऐसे analysis पर करने पड़ेगा। APST के बारे में बताया, APST को जो पूरा लिया जाता तो मीटिंग में जो बात हो रहा था उनमें स्पेसिफिक जो अरुणाचल का ST का बारे में बात कर रहा था, कह रहे थे कि मेनलैंड का जो APST सॉरी जो अरुणाचल का APST का बारे में बात कर रहा था, जो ST जो मेनलैंड पे होता है उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें आपको क्या? पहली बात तो ये देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये तो आप भी मानते होंगे कि नहीं मानते हैं? उसमें नहीं नहीं वो तो हम यही कह रहा ना, तो ये सारी दुनिया जानती है, कॉन्स्टिट्यूशन जानता है। ST के लिए कोई डिवीजन अलग से नहीं बनाया गया कि APST या ST, ठीक है, लेकिन फिर भी APST को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। अगर वो प्रायोरिटी ना देते तो कैसे हमारे पास 88% बच्चे APST हो जाते? कोई ना कोई प्रायोरिटी तो दी जाती है। तो और दूसरी बात टीचरिंग में भी, अगर आप डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, कोई एक डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, हम बताते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गई, प्रोफेसर ताना सोरेन, प्रोफेसर एहसान रेड्डी, सांगडो साहब, और कौन भाई नाम बताइए, ताजिंग दाबी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लीजिए तो पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर नाकाहिना साहब, प्रोफेसर नानी बात, सब नाम तो अभी याद पूरी है तो नहीं आगे, लेकिन 70% हमारे टीचर्स APST ही हैं। तो ये तो रूटीन में अपने आप ही ठीक हो जाता है कि हम लोग प्रिविलेज देते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है कि अब 100% की आप बात करोगे तो उसके लिए तो सरकार को नियम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेघालय जैसे वो शेड्यूल 8 में आता है, हम शेड्यूल 8 में नहीं आते हैं। तो दूसरा, अगर आप जब शेड्यूल बदलोगे तो जो नियम हो जाएंगे उसमें लागू हो जाएंगे, तो वहां भी शेड्यूल 8 का जो नियम है उसमें जो रिजर्वेशन है उससे ज्यादा हम लोग बगैर शेड्यूल बनाए रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ये साबित करता है, ये देखिए जब कोई बात करता है तो बिना किसी एविडेंस के बातों बातों में बातें बढ़ती हैं। जब सही बात करने वाला हो तो वो कागज दिखाएगा ना, हम तो आपको कागज दिखाने के लिए सब तैयार हैं। और दूसरा,
सिर्फ शिकायतें होती हैं ये भी तो सही बात नहीं है। चार साल से जो फंड की पोजीशन है यहाँ पे वो 292% बढ़ी है 2017 से अभी तक, उसका क्रेडिट तो किसी ने दिया नहीं। ऑफिसर्स बन रहे, बिल्डिंग कितनी आ रही है, 12 प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, 12 प्रोजेक्ट, 650 बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए हॉस्टल आ रहे हैं, हमारे पास 36 फ्लैट्स आ रहे हैं, और ये कौन बना रहा है? मैंने किसी को ठेका नहीं दिया है। हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सोशल साइंस बिल्डिंग हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट है, मास्कॉम की बिल्डिंग पूरी हो गई, और वो ठेका किसने लिया है? वो ठेका जो चार का है, मास्कॉम बिल्डिंग का, सोशल साइंस बिल्डिंग का, एजुकेशन बिल्डिंग का, और एक कौन बिल्डिंग है? सोशल साइंस हो गया, मास्कॉम हो गया, और एजुकेशन हो गया, चार है ना। हाँ, जो नहीं, जो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। हाँ, पूछ लीजिए। आप उसका जवाब नहीं दिया कि लाइक उसका आउटकम क्या है, क्योंकि ऑलरेडी बात हो चुकी है। आउटकम तो हमने वेरी गुड देव आल्सो सेड दैट दे हैव आल्सो बीन एश्योर्ड कि उन लोगों का जो डिमांड है इट्स बीन फुलफिल्ड, दैट्स व्हाई दे हैव गॉन सो लाइक वी बिलीव दैट इट्स इन्फॉर्मेशन प्रायर टू दिस अराइवल आई वुड हैव आल्सो डन द सेम थिंग। मैं अगर वो मुझे सूचना दे देते पहले से ही कि सर इसको ऐसे ऐसे करना है, वो सूचना ही नहीं दी, तो अगर सूचना दे देते तो भी मैं करता, तो जो मुझे उस वक्त करना था वही मैंने अभी किया हुआ। अगर किसी को तकलीफ है तो चार बार जांच हो जाए कि चार बार उन्होंने ये वादा किया है कि हम जल्दी से नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के जो पॉलिसी है रिजर्वेशन वो सर आपको देंगे, तो हमने कहा कि जल्दी से दे दीजिए, अगर वो दे देंगे तब तक हम चीज़ों को स्टॉल पे रखेंगे, हॉल्ट पे रखेंगे, उनका कागज देख लेंगे, उनके साथ मीटिंग कर लेंगे, क्योंकि सिस्टम तो रुक नहीं सकता ना। आज हम फास्टिंग पे हैं तो कल हमको खाना खाना ही है, तो सिस्टम रुकेगा नहीं, हम उनके कागज़ का इंतजार करेंगे। उन्होंने हमने तो उनको 2 महीना का टाइम दे दिया है, ठीक है, उन्होंने अगर 2 वीक में काम दे देंगे तो हम 2 वीक में काम शुरू कर देंगे, वो 2 महीना लगाएंगे 2 महीने में काम शुरू कर देंगे, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो हम मीटिंग करके बातचीत कर लेंगे कि भाई आपने ये कहा था हमको दे दीजिए, हम बात करते हैं। तो पॉजिटिविटी की जहां तक बात हो रही है, पॉजिटिविटी इज ऑल थ्रू, द थिंग इज दैट इट इज जस्ट रेफरेंस। जैसे आप अगर यहां पे खड़े हैं और अगर मैं ये बोलूं कि ये किताब टेबल के ऊपर रखी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इट इज ऑन द टेबल। When we sit down here and we look at it, तो हमको ये ऊपर नजर आएगी, तो ये रेफरेंस पॉइंट की भी बात है। वो भी वही कह रहे थे जो मैं कह रहा हूँ। और रही बात बच्चों के APST के लोगों की भलाई की, वो भलाई का काम हो रहा है, ठीक है, उन्हीं को दिया जा रहा है, एडमिशन भी 84% उनको दिया गया, अपॉइंटमेंट में 70% लोग हैं ही, और जहाँ पे कमी होगी उसको देख लिया जाएगा। और हमारे पास नॉन टीचिंग में मैंने कोई पोजिशन ही नहीं भरी है, नॉन टीचिंग में सिर्फ 11 पोजीशन है, और वो मुझे लगता है कि अभी भरी नहीं गई है, सिर्फ 11 पोजीशन है। जो आप देख रहे हैं ये लोग काम करते हुए, वो परमानेंट नहीं है, कंटिजेंसी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 70% रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो यहीं के होते, लेकिन रिसेंटली जो 40 लोगों के लिए हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट हुआ है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जो 40 लोगों को हुआ है, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करूं कि वो 40 लोगों जिन्होंने कहा है उनसे कागज मांग लीजिए आप, तब हम लोग इस पे बात कर लेंगे। अगर 40 होगा, अगर 40 रिक्रूटमेंट हुआ होगा, ठीक है, परमानेंट फैकल्टी पोजीशन पे, तो भाई ये आप लोग गवाह हो, हम यहाँ से रिजाइन करके चला जाएगा। और 40 रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो फिर हम पूछेंगे कि आपको ये गलत सूचना किसने दी। देयर इज नथिंग लाइक 40 रिक्रूटमेंट। देखो, सूचना देते समय गलत सूचना लोग दे देते हैं, वो भावना में बोल देते हैं 40 राउंड फिगर बता दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है, सारे नियम कानून का पालन किया जा रहा है। दूसरा देखो, आप ये बताओ, जैसे अभी किसी लोगों ने, आप ही लोगों में से पूछा था कि वहां से तो आया यहां, उसको एडमिशन क्यों नहीं मिला? जब ये नियम है, और नियम हमने थोड़ी लागू किया है, नियम तो डे वन से है, 2016 से नियम लागू है कि 2 पेपर PhD एंट्रेंस का 2 पेपर होता है, 2 पेपर में एक पेपर में हर इंडिविजुअल पेपर में 50% आना चाहिए। जब आप 50% आया ही नहीं है तो आप उसमें कैंडिडेट ही नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरी गलती कहाँ है? कम से कम इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा। तो ये है। दूसरा, हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा होमवर्क करें, पढ़ाई लिखाई करें, टाइम से PhD खत्म करें। अभी PhD की बात होगी, आपने नहीं पूछा तो हम ही बता देते हैं। आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, पूरे भारतवर्ष में घूम लीजिए, 12 साल कोई लगाता है क्या PhD में? 12 साल यहां से बैठ के बता रहा हूं, 2010 का केस है एजुकेशन में, फिर भी मैंने उसको मना नहीं किया, हमने कहा कागज दो, 12 साल कहीं होता है क्या?
और 12 साल में अगर वो सीट फंसा के रखी है तो फिर आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं कि अरुणाचल के बच्चे का भला नहीं हो रहा, वो भी सीट तो अरुणाचल के बच्चे ने इंगेज करके रखी है। तो ये सोचना पड़ेगा, टाइम से अगर खत्म होता है काम तो वैकेंसी होती है, हॉस्टल खाली करो दूसरा बच्चा आएगा उसको खाना मिलेगा, हॉस्टल में स्पेस मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बैठ के चीजों को समझना पड़ेगा। तो वो जो एक्साइटमेंट में जो बहुत सारी बातें हो जाती हैं वो बहुत सारी सही नहीं होती। जब हमने अपनी बात कही तो आपसु और आंसु यही कह के गए सर हम लोग बैठेंगे भी, और फिलहाल के लिए तो सारी पॉजिटिव चीजें हैं। इसमें ऐसे भी चल रहा था सर, स्कॉलर्स तो रहते ही है लेकिन उनका जो सुपरवाइजर है वही नहीं रहते, वही कहीं पे चले जाते, छुट्टी पे चले जाते, तो कैसे करेंगे वो अपना पेपर थीसिस कैसे बनाएंगे सर? देखिए सुपरवाइजर टीचर ही है, वो मेरा कलीग भी है, तो मैं अपनी कलीग की, हालांकि 4 दिन पहले उन्होंने हंगामा भी किया था, फिर भी ईमानदारी से मैं आपको बताऊं कोई भी टीचर एब्सकॉन्डिंग नहीं रहता है, भागता नहीं अपने काम से, वो तो या तो ड्यूटी लीव पे जाता है या अपनी छुट्टी पे जाता है। अगर हेल्थ का केस होगा तो छुट्टी लेके जाता है। लेकिन आप ये बताओ कि आजकल तो इंटरनेट के जमाना है, सुपरविजन के लिए अभी अभी हमसे कोई बोला था कि सर आप ये दो आपका काम है कैसे करेंगे, हमने कहा हम जो यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है डीसी का, हमने कहा मैं ऑनलाइन करूंगा, हम ईमेल से भेज देंगे। तो किसने रोका है कि विद्यार्थी, वो तो अच्छा होगा आपने काम किया तो अपने टीचर को ईमेल से भेज दो, टीचर ना भी नहीं कर पाएगा, आपके पास प्रूफ रहेगा, आपने काम ही नहीं किया तो सुपरविजन कैसे होगा? और टीचर कोई भागता नहीं है, विंटर ब्रेक में जाता है या समर वैकेशन में जाता है, डीपी हॉलीडे में जाता है, तो जो टीचर जाता है वो नियम से छुट्टी पे जाता है, भागता कोई भी नहीं है। आप किसी टीचर से पूछ के देख लीजिए, भागता नहीं है। विद्यार्थी को भी एक्टिव होना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना काम नहीं करता है लेकिन एक्टिव होना पड़ेगा। सर, आज की जो इंटरव्यू थे वो 90 लोग के लिए थे, 91 लोग के लिए थे, लेकिन उनमें से भी 7 लोग ही एफएससी आए हैं, एससी आए हैं, तो इसमें माना जा सकते हैं कि यहाँ पे भी एप्लीकेशन। अभी देखिए आपने जो सवाल ही पूछा वो कितना दुखी करने वाला सवाल है। आज जो अभी इंटरव्यू होने वाला था उसमें 12-13 कैंडिडेट था, जो अभी जिसको आपने भगाया है या इन लोगों ने भगाया है, आपने नहीं किया होगा उसमें। अब जरा सोच लो 90 का रेफरेंस दे रहे हैं और आज के मॉर्निंग सेशन की बात कर रहे हैं, आज 2 सेशन में मीटिंग थी तो आप देख सकते हैं कितना आया था, तो 90 से इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं? डेटा ही नहीं है लोगों के पास। तो देखो 90 की बात कर रहा हूं जो 15 दिन चलना था इंटरव्यू, और अभी हम जिनको भगाया है उसमें आप बोल रहे 7 थे, तो अगर 10 लोग आया है उसमें 7 हैं तो 70% हो ही गया, सोचने की बात है। सर मेरा सवाल ये कि जो आपने कहा है कि ये जो स्कॉलर पैटर्निटी लोग जो है या आप जो आप सुन लोग आया है साथ, तो इन्होंने आपको पहले जो है अप्रोच नहीं किया ये प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन सर ये आपसु पैटर्निटी का जो लेटर है आज आपको दिया है उनमें उन्होंने सर 3 बार आपको अप्रोच किया है सर, आपका ये जो रजिस्ट्रार है ज्वाइंट रजिस्ट्रार उनको उन्होंने लेटर सबमिट किया, 3 बार अप्रोच करने के बाद आज जो है आप वो आंदोलन पे उतारा है सर, उनमें आपको क्या कहना? आपसू ने अगर रजिस्ट्रार साहब को लेटर दिया है तो रजिस्ट्रार साहब ने शायद उनसे बात की होगी, अब मुझे तो पूछना पड़ेगा कि क्या क्या बातें हुई। दूसरा सलूशन आप ये कह सकता कि हमको ब्रेकफास्ट करना है और डिनर का आपने प्लान बना दिया, आपने लेटर दिया, आपने क्या ये दिया कि डेमोन्स्ट्रेशन की वार्निंग है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, नहीं किया सर, तो दो अलग चीजें हैं। जून से सर वो आपको लिख रहे हैं सर लेकिन आप लोगों ने उनको एंटरटेन नहीं किया सर। रजिस्ट्रार साहब वो तो अब रजिस्ट्रार साहब से सही यहाँ क्या पूछेंगे, हम उससे बातचीत कर लेंगे उसमें क्या स्टूडेंट स्कॉलर फ्रेटर्निटी है। नहीं तो देखिए आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को, रिसर्च नहीं मिक्स मत करिए। आपने आपसु आंसू अपने उस रिक्रूटमेंट की बात के लिए आए थे, हाँ, तो अभी आप अगर वो बात कर रहे हैं पीएचडी ऑर्डिनेंस की, पीएचडी स्कॉलर की, तो फिर देखिए मिक्स नहीं होना चाहिए ना। हाँ वेरी गुड, तो चलिए उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऐसा है कि हमने लेटर तो ले लिए लेकिन मैंने तो बताया ना, और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप वापस जाइए, आपको मैं 1 वीक का टाइम देता हूँ, आप होमवर्क करिए और जरा नाम लेकर आइए किसको मौका नहीं दिया। हमने तो उस दिन भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, 12 साल कौन पीएचडी करता है ये आप हमको बताओ ना, उसको क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए आप ही बताओ, आपके पास कोई है सवाल? उसको किस नियम के तहत रखेगा? कोई नियम लागू नहीं होता, तो भी हम रखा हुआ है, हम ये मौका दे रहा कि वो काम खत्म करे। तो ऐसी डिमांड जिसके बारे में उसको खुद ज्ञान नहीं है, मान लीजिए हम नाम लेके किसी को नेता नहीं बनाना चाहेगा, एक आध दो स्कॉलर की बात करें, जुम्मा उनको तो 4 साल हुआ है, उसको पहले की प्रॉब्लम कहां से मालूम, इसलिए तो नाम नहीं दे पा रहा है, हमने तो नाम पूछा ना, अब वो जला जाता है कि नाम क्यों पूछ रहा है, हम तो नाम इसीलिए पूछा कि काम किसका रोका है, आप तो शिकायत कर रहा है, ब्लैंकेट शिकायत कर रहा है जो गलत है, ब्लैंकेट शिकायत कर रहा है वो गलत है, ब्लैंकेट शिकायत कर रहा है वो गलत है, इसलिए वो जो काम देगा अगर नियम से नहीं होगा तो कैसे काम होगा। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे कि 12 साल पीएचडी कौन करता है, भारतवर्ष में घूम लीजिए और बताइए हमको कहां होता है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए अब बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच। आज का जो वो हमने दे दिया रेजोल्यूशन,
इन राइटिंग दे दिया, उसमें अब हम टीवी पे क्या बताएगा। आखिरी सवाल सर, हाँ सर, ऐसे ऐसे आपका अंदर में ऐसे क्या है कि जो आपके खिलाफ, जो आपका टीचर जो काम करता है, जो काम करता है उसके खिलाफ शिकायतें होती है, जो चुपचाप बैठा रहता है उसके पास कोई शिकायत नहीं होती, काम करने वाले की भी में गलती ढूंढी जाती है, जो 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 चुप बैठता है, जो काम नहीं करता उसमें कोई गलती नहीं ढूंढी जाती है। कहीं आप गलत करता होगा इसलिए आपके खिलाफ ये आपकी अपनी भावना है, ये मेरी भावना नहीं है। गलत कह तो रहा है, देखो कितनी आसान बात है, गलत करता है तो कोर्ट है ना बगल में, कोर्ट जा सकता है, सिंपल डिमोन्स्ट्रेशन क्यों करने की जरूरत है, कोर्ट जाओ। अगर आप गलती नहीं कर रहे तो टीचर धरना पर उतर रहा है या हाँ, तो कह तो रहा है कि अगर अगर सिंपल बताया, अपने अपने देश में नियम कानून भी कोई चीज है, सिंपल पुलिस है, कोर्ट है, एपीएसटी कमीशन है, कमीशन में चले जाओ भाई, गलती प्रूफ करना चाहिए। आप सिर्फ भावनाओं में प्ले कर रहे हो, तो इसलिए मैं कह तो रहा हूं कि जिसको गलत होता है, जैसे जैसे मैं होता, अगर मैं किसी से शिकायत करता मैं तो कोर्ट चला जाता कि साहब इसको रोको, तो वो नहीं कर रहा है, तो ये साबित करता है कि मैं अपने सही रास्ते पे चल रहा हूं, वो ये साबित करता है कि मैं अपने सही रास्ते पे चल रहा हूं, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए वो मॉब के रूप में जाता है, क्योंकि मॉब के रूप में जाने से बहुत सारी चीजें छुप जाती है। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।